अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ उठी विरोध की आवाज, जलालाबाद में जोरदार प्रदर्शन। जलालाबाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर तालिबान ने दागी गोलियां, 3 प्रदर्शनकारियों की मौत। अफगानिस्तान के झंडे के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे लोग, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जलालाबाद में लोगों ने तालिबानी झंडे को नीचे उतारा, अफगानिस्तान के झंडे को दिया सम्मान। अफगानिस्तान के घोष में तालिबान ने लोगों पर चलाई गोलियां, झंडा बदलने की कोशिश में झड़प। अफगानिस्तान से सामने आई दहशत की तस्वीरें, काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान से बचाने की अपील करती नजर आई महिलाएं। तालिबान ने अफगानिस्तान के सिख समुदाय को बताया सुरक्षित, अपने न्यूज चैनल पर जारी की रिपोर्ट। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्ला सालेह ने खुद को घोषित किया कार्यवाहक राष्ट्रपति, कहा अफगानों को खुद लड़नी होगी अपनी लड़ाई। अबुधाबी में मौजूद है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, यूएई ने जारी किया बयान। अफगानिस्तान में जारी है सरकार बनाने को लेकर माथापच्ची, हामिद करजई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला से मिले तालिबानी नेता अनस हक्कानी। अफगानिस्तान की महिला गवर्नर सलीमा मजारी को बनाया बंधक, तालिबान का किया था विरोध। कोलकाता में आयसा के छात्रों का विरोध प्रदर्शन, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर नाराजगी। दिल्ली में रहने वाले अफगानी शरणार्थियों में हड़कंप, हालात को लेकर बैठक। अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने पर दोबारा हुई सीसीएस की बैठक, कल भी प्रधानमंत्री ने की थी चर्चा। तालिबानी कब्जे को जायज ठहराने पर बुरे फंसे संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, देशद्रोह का केस दर्ज। विवाद बढ़ने पर समाजवादी पार्टी के सांसद का यू टर्न, बोले मैंने तालिबान के बारे में कुछ नहीं कहा। जो मैंने कहा था ये अल्फाज कहे थे, जब मुझसे उन्होंने सवाल किया मैंने कहा मुझसे क्या ताल्लुक वहां के उस मुल्क से या तालिबान से, मुझसे क्या ताल्लुक। मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता, बल्कि मेरे मुल्क की जो पॉलिसी होगी अपने मुल्क के साथ में। शफीकुर रहमान बर्क के बयान को लेकर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा माफी मांगे समाजवादी पार्टी के सांसद। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना सज्जाद नुमानी ने भी तालिबान को दी बधाई, कहा यह हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। नुमानी के बयान के बाद बैकफुट पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा संगठन का नहीं है कोई लेना देना। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, लाहौर में राजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ने का विरोध। लाहौर में टिकटॉक बनाने वाली महिला ने दर्ज कराया केस, भीड़ पर बदसलूकी का आरोप। महिला के अनुसार मीनारे पाकिस्तान के पास बना रही थी वीडियो, करीब 400 लोगों ने मिलकर हमला बोला। साउथ चाइना सी में भारत और वियतनाम के साझा नौसैनिक अभ्यास, चीन को सीधा संदेश देने की कोशिश। जम्मू में डोगरा फ्रंट का विरोध। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन, लगातार जारी है विपक्ष की घेराबंदी। यूपी विधानसभा में वेल में पहुंचे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायक, महंगाई को लेकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा से पैदल मार्च कर सदन में पहुंचे। 2022 के लिए बीजेपी का बूथ विजय अभियान, 23 अगस्त को जेपी नड्डा करेंगे लॉन्च। मिर्जापुर पहुंचे बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र, विधि विधान से की मां विंध्यवासिनी की पूजा। भोपाल में बीजेपी दफ्तर के बाहर शिक्षकों का धरना, नतीजे आने के 2 साल बाद भी नियुक्ति नहीं किए जाने का विरोध। पंजाब के फिरोजपुर में किसानों ने सुखबीर बादल का किया विरोध, काले झंडे दिखाकर नारेबाजी। फतेहाबाद में किसानों ने किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विरोध, योजना के थैलों को किया आग के हवाले। हरियाणा के हिसार में जेजेपी विधायक का विरोध, किसानों ने दिखाए काले झंडे, जमकर नारेबाजी। पाम ऑयल के आयात को घटाने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, घरेलू किसानों के लिए 11,000 करोड़ के फंड का ऐलान। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को बड़ी राहत, दिल्ली की एक अदालत ने बरी किया। कोर्ट के फैसले पर शशि थरूर ने कहा शुक्रिया, बोले 7 सालों से झेल रहा था यातना। एनडीए की प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकेंगी महिलाएं, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया अहम निर्देश। बढ़ सकती अनिल देशमुख की मुश्किलें, लगातार 5वीं बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की महाराष्ट्र सरकार की याचिका, अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच रोकने की थी मांग।
हिसार में किसानों ने बिजली घर पर लगाया ताला, गांव वालों ने सड़क पर घंटों जाम लगाया। उधम सिंह नगर में किसानों का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर नाराजगी। टोक्यो से मेडल लेकर पहली बार अपने गांव पहुंचे रवि दहिया, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। सोनीपत के गांव में रवि दहिया के सम्मान में समारोह का आयोजन, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लिया हिस्सा। 23 अगस्त से यूपी में खुलेगी 6 से 8 की कक्षाएं, 1 सितंबर से 1 से 5 कक्षा की भी शुरुआत। नीतीश कुमार ने कटिहार और पूर्णिया के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया, राहत कैंपों का भी निरीक्षण किया। बाढ़ से बेहाल हुआ वैशाली का राघोपुर, लोग घरों में अटके, पानी में डूब गए खेत खलिहान। मोतिहारी से सामने आई सरकारी लापरवाही की तस्वीर, बांध टूटने से अब भी जलमग्न है दर्जनों गांव। खगड़िया में बाढ़ से मुक्ति के लिए महिलाओं ने की गंगा मैया की पूजा, लोकगीतों से रूठी गंगा मां को मनाने की कोशिश। मुंगेर में अब भी खतरे के निशान से ऊपर है गंगा का स्तर, 34 से ज्यादा पंचायतों पर बाढ़ का असर। गोरखपुर में बढ़ा राप्ती नदी का जलस्तर, जिला मुख्यालय से कटा कई गांवों का संपर्क। हमीरपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंची साध्वी निरंजन ज्योति, लोगों को बांटी राहत सामग्री। बागेश्वर में भारी बारिश, 5 सड़कों पर आया मलबा, जिला मुख्यालय से टूट गया 20 गांवों का संपर्क। हिमाचल के ऊपरी इलाके में लगातार जारी है भूस्खलन, केंद्र की एजेंसियों ने जमाई नजर। मुंबई में झमाझम बरसात, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुसीबत बढ़ी। ईडी दफ्तर में महबूबा मुफ्ती की मां ने लगाई हाजिरी, साथ में मौजूद थी पीडीपी चीफ, बीजेपी पर लगाया आवाज दबाने का आरोप। जो आपने कल खुद देखा कि जब आप मीडिया के लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे, काम कर रहे थे, किस तरह से आपकी पिटाई की गई, इसी तरह आजकल ये जो नया कश्मीर बनाया गया है, जो न्यू इंडिया है, उसमें जो भी सही बात करता है, जो सच्ची बात करता है, उसको उसके लिए सजा दी जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रामपुर कोर्ट में पेश हुए आजम खान और उनके बेटे, 26 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। बाराबंकी की अदालत ने जारी किया मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश, बाहुबली ने जताई थी हत्या की आशंका। राजस्थान के बाड़मेर में बस और मिनी बस की भिड़ंत, 25 मजदूर घायल, मजदूरों ने जमकर काटा बवाल। 2 हफ्ते पहले पठानकोट के पास हेलीकॉप्टर हादसे में लापता को पायलट जयंत जोशी का अब तक सुराग नहीं, परिजनों को इंतजार। रंजीत सागर डैम और आसपास तलाश जारी, 3 दिन पहले रंजीत सागर डैम से मिला था पायलट एएस बाथ का शव। भिवानी में गला दबाकर 1.5 महीने की मासूम की हत्या, तांत्रिक के चक्कर में मां ने वारदात को अंजाम दिया। झारखंड के गुमला में एक युवक ने की पिता की हत्या, 2500 रुपए की मांग को लेकर विवाद बढ़ा। बिहार के नालंदा में एक युवती पर बीच बाजार फेंका तेजाब, पुलिस को प्रेम प्रसंग में वारदात का शक। नोएडा में दिल दहलाने वाली वारदात, 2 बच्चों की गला रेत कर हत्या। दिल्ली में मजनू का टीला इलाके से एक महिला समेत नशे के 2 कारोबारी गिरफ्तार, 14 लाख का स्मैक बरामद। गुजरात के दाहोद में खुलेआम दरिंदगी, घर से खींचकर महिला की सरेआम सड़क पर पिटाई। फिरोजाबाद में खंभे से टकराई असम से दिल्ली जा रही बस, 2 यात्रियों की मौत, 20 घायल। राजस्थान के अलवर में महिला से सामूहिक बलात्कार, अगवा करके 5 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। उधम सिंह नगर में 3 लोगों ने मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई की, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। महाराजगंज में नशीली दवाओं का तस्कर गिरफ्तार, 680 करोड़ रुपए की नशे की तस्करी का आरोप। इटावा में एक लड़की ने की खुदकुशी, मां ने मनपसंद लड़के से शादी करवाने से इनकार किया था। बाड़मेर में वायरल हुआ साधु की पिटाई का वीडियो, फिल्मी अंदाज में धरा गया आरोपी। कासगंज में गार्ड की हत्या से हड़कंप, वारदात के बाद हमलावरों ने सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ा। भारत के खिलाफ पहले 2 टेस्ट में शतक जमाने वाले इंग्लैंड के कप्तान जो रूट की टेस्ट रैंकिंग में उछाल, 4 नंबर से 2 नंबर पर पहुंचे। लॉर्ड्स टेस्ट में शतक जमाने वाले केएल राहुल की रैंकिंग में भी सुधार, 19 पायदान ऊपर चढ़कर 37वें स्थान पर। 25 रुपए महंगा हुआ बिना सब्सिडी वाला घरेलू रसोई गैस सिलेंडर, 860 रुपए के करीब पहुंची कीमत। 32 दिनों के बाद डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ, 20 पैसे प्रति लीटर सस्ता, पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं। 162 अंकों की गिरावट के साथ 55,629 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 45 अंकों की गिरावट के साथ 16,568 पर निफ्टी बंद। पेटीएम और जोमैटो समेत 35 से ज्यादा कंपनियों के आईपीओज ने दी इकोनॉमी को रफ्तार, आरबीआई ने कहा 2021 है आईपीओज का साल।
पेटेंट आवेदन करने वाले सभी शैक्षिक संस्थानों के लिए फीस में 80% कटौती। अभी तक केवल सरकारी शिक्षा संस्थानों को मिलती थी छूट। यूनिटेक के हजारों घर खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया आखिरी मौका। 30 दिन में चुनना होगा रिफंड या फ्लैट में से एक का विकल्प। एचडीएफसी बैंक को आरबीआई से मिली बड़ी राहत। क्रेडिट कार्ड जारी करने पर लगाया गया बैन, हटाया। दूसरी तिमाही में वॉलमार्ट के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में इजाफा। भारत चीन जैसे बाजारों के सहारे 13% की बढ़ोतरी। कोलकाता में तैयार हुआ देश का पहला चलता फिरता म्यूजियम। भारत के बंटवारे की दिखेगी थीम। 3 महीने बाद गुवाहाटी में खुला कामाख्या देवी मंदिर। श्रद्धालुओं को कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। रायसेन में अनूठे अंदाज में मनाया जाता है मुहर्रम का त्यौहार। हिंदू मुस्लिम एकता की दिखती है मिसाल। राजस्थान के पाली में श्रावण में हर रोज बन रहे मिट्टी के 7,000 शिवलिंग। पूजा अर्चना के बाद कुंड में विसर्जित करते हैं श्रद्धालु। उत्तरकाशी के गयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल की धूम। दूध दही और मक्खन के साथ खेली जाती है होली। गाजा की ओर से दागे गए रॉकेट के बाद इजराइल आग बबूला। पीएम निफ्टाली बेनेट बोले समय जगह और हालात देखकर जवाब देंगे। अफगान सीमा के पास रूस ने तजाकिस्तान के साथ शुरू किया संयुक्त सेना अभ्यास। टैंक हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स के साथ प्रैक्टिस। भारी विरोध के बाद 19 दिन में ही पेरू के विदेश मंत्री का इस्तीफा। आतंकवाद को लेकर नौसेना पर दिए बयान पर हो रही थी आलोचना। आग से प्रभावित फ्रांस से दक्षिणी हिस्से का दौरा करने पहुंचे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। कहा हम लोगों की जान बचाने में रहे कामयाब। लगातार बढ़ रही हाइती में भूकंप से मरने वालों की संख्या करीब 2,000 पर पहुंचा। मृतकों का आंकड़ा